बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और मजेज वालिदैन। मिस शाजिया कौसर किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से हाजिर हो चुकी हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी किताब उर्दू और मैथ से। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है, तो देखते हैं किताब उर्दू और मैथ से आज हमने क्या सीखना है। तो सबसे पहले मैं उर्दू से आपको पढ़ाती हूँ। तो उर्दू में जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में हरफ अलिफ अलिफ मद आ बे ये मुकम्मल हो चुके हैं, आज हम सीखेंगे हरफ पे और ते। ठीक है, तो हरफ पे का तारुफ कुछ इस तरह है। पढ़िए और पेंसिल फेरिए। आपने हरफ पे को पढ़ना है और फिर हरफ पे के की जितनी मशक यहाँ दी हुई है उसके ऊपर आपने पेंसिल फेरनी है। हरफ पे की आवाज होती है प। ठीक है, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे कहता है प। ठीक है, अब आपने करना ये है कि पे के ऊपर आपने पेंसिल फेरनी है, राइट टू लेफ्ट साइड पे जाना है। ठीक है, और नीचे आपने तीन नुक्ते लगाने हैं, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे कहता है प। इसी तरह आप इसकी मशक करेंगे, पे प पतंग। ठीक है, लफ्ज का पहला हरफ लिखें। हम इस खाने के अंदर पे लिखेंगे तो पतंग पूरा लफ्ज बनेगा। ठीक है, तो आपने इस खाने में हरफ पे लिखना है, और पे लिखते हुए वालदेन बच्चों को ये गाइड करें कि बिल्कुल डिब्बे के दरमियान से आपने स्टार्ट करना है और नीचे तीन नुक्ते लगाने हैं, पे प पतंग। अब पतंग का लफ्ज मुकम्मल हुआ। ठीक है, मजीद इसके पे से बनने वाले अल्फाज हैं, पे प परी, पे प पंखा, पे प पानी। अब हम पढ़ते हैं हरफ ते का तारुफ। तो हरफ ते में पढ़ने पढ़िए और पेंसिल फेरिए। करना क्या है कि ये तारे आपको दिए गए हैं, ते के ऊपर दो नुक्ते, तेत तारे। ठीक है, इन तारों के अंदर हरफ ते लिखे हुए हैं, उनको आपने सेम ऐसे लिखना है जैसे आपने हरफ पे की शक्ल बनाई थी। ठीक है, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते कहता है त, और इनके अंदर आपने ते लिख की पूरी मशक करनी है। इस खाने में आपने हरफ ते लिखना है और उसी तरह लिखना है, बिल्कुल दरमियान से खाने से स्टार्ट करना है। ठीक है, और उसके ऊपर दो नुक्ते लगा देने हैं, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते कहता है त। अब ये लफ्ज़ मुकम्मल हुआ। ठीक है, तेत ताला, तेत तितली, तेत तरबूज। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं मैथ की तरफ। उर्दू का तो हमने पेज नंबर 8 सीख लिया है जिस पर हरफ पे और ते था। अब हम बढ़ते हैं मैथ की तरफ। तो मैथ में हमने आज डिजिट सीखना है 11 और 12। ठीक है, 10 तक हम काउंटिंग सीख के आ चुके हैं, 11 और 12 पेज नंबर 18 है। 11 में आपने क्या करना है कि यहाँ इसके SLOs कुछ इस तरह है कि आपने ये रीड आउट करनी है काउंटिंग, और इसको पिक्चर्स को ऑब्जेक्ट्स को आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक कुकाओ जो है वो बड़ी दीदी है 11। इसके अंदर आपने कलर करना है और कलर आपने रेड करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, रेड कलर आपको पता होगा कौन सा करना है, ये वाला। ठीक है, ये रेड कलर आपने इसके अंदर इस काओ के अंदर करना है। ठीक है, और इस 11 को आपने ट्रेस करना है, और करना कैसे है, एरो से एरो को आपने फॉलो करना है, कम डाउन जस्ट रनिंग लाइन। ठीक है, इसी तरह आप इसको करेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, पेज नंबर 19 पर आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है, और आपने ऊपर दिए गए डॉट्स को काउंट करना है। ये डॉट्स भी 11 है, और ग्रुप की शक्ल में जो डॉट्स होते हैं उनको हम टेंस बोलते हैं, और सेपरेट जो चीज बताई जाए वो वंस होते हैं। ठीक है, आपने इस डिब्बे के बिल्कुल दरमियान से स्टार्ट करना है वन, और वालदेन अपने बच्चे को ये प्रॉपरली गाइड करें कि बिल्कुल डिब्बे से या एक डॉट लगा के उनको गाइड कर दें, 1 1 11। ठीक है, ये देखें जैसे मैंने बिल्कुल दरमियान में लिखा है। ठीक है, 1 1 11, इसी तरह आप इस पेज की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिजिट 12 पर। तो डिजिट 12 भी सेम, आपने क्या करना है कि इन कैट्स को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 एंड 12। ठीक है, ये 12 कैट्स हैं। आपने क्या करना है कि एक तो एरो को फॉलो करना है, आपने इस एरो को फॉलो करते हुए डिजिट 12 को ट्रेस करेंगे आप। ठीक है, इसकी ट्रेसिंग के बाद आप जो है इन कैट्स के अंदर येलो कलर करेंगे। प्रीवियस में आप रेड कलर करके आए हैं, अब इन कैट्स के अंदर आप येलो कलर करेंगे। येलो कलर के बाद पेज नंबर 21 पे आपने क्या करना है कि उसी तरह आप इनको काउंट करेंगे डॉट्स को, तो ये 12 ही बनेंगे। ठीक है, ये ग्रुप शक्ल में है, और ग्रुप शक्ल में
कोई चीज आ जाए तो वो टेंस कहलाती है और सेपरेटली कोई चीज हो तो वो वंस कहलाती है। आपने इधर से भी बिल्कुल मिडल से स्टार्ट करना है, 1 to 12, 1 to 12, 1 1 11 एंड 1 to 12, इसी तरह आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का लेसन हमारा इतना ही है, कल मिलते हैं हम एक नए लेसन के साथ। मैम शाजिया को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।